देखती आठ हो सुनते कानो, आप सबको एडवोकेट खालिद जैदी का सलाम। आप देख रहे हैं कास मोटिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉजिस्टिक। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के जरिए आपको काफ़ी मुफीद मालूम हासिल होंगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले यहाँ पर ये क्लियर करना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक क्या होता है या लॉजिस्टिक क्या है। लॉजिस्टिक को बआसानी हम इस तरह समझ सकते हैं कि संडे का दिन है, दोपहर का टाइम, मैं सुकून से बैठा हुआ टीवी देख रहा हूँ। इतने में मेरी वालदा आती हैं, मुझे एक टिफ़िन देती हैं और कहती हैं कि ये फौरी तौर पर जाकर बहन के घर दे आओ। साथ ही वो मुझे हिदायत करती हैं कि जल्दी जाना और एहतियात से लेके जाना, ये गिरे ना, ख़राब ना हो, और जाकर बहन के हाथ में ही देना। बज़ाहिर उनकी इस बात में कोई ख़ास बात नहीं, नॉर्मल रूटीन घरों में ऐसा होता है, मगर अगर देखा जाए तो ये भी एक पार्ट ऑफ द लॉजिस्टिक है, जिसमें मेरी वालदा जो मुझे टिफ़िन दे रही हैं, जो उनकी मसनूआत है, जो उन्होंने तैयार की चीज़, उसके मुताबिक वो मुझे हिदायत कर रही हैं कि मैं ये लेके जाऊँ एहतियात के साथ और जाकर फौरी तौर पर अपनी बहन को दूँ। इसी तरह एक कंपनी का ऑनर या उसकी मैनेजमेंट भी यही हिदायत करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि उनकी जो मसनूआत हैं उनको सही मकदार में, सही हालत में, सही जगह जाया जाए मुनासिब कीमत के साथ। बेसिकली लॉजिस्टिक जो है वो खिदमात और फराहमी का अमल है, और शुरू में ये फौज या आर्मी के जो सामान होता था, सामान रसद होता था, उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मगर ये लफ्ज़ लॉजिस्टिक फर्स्ट टाइम जो है वो एक आर्मी ऑफिसर जो कि राइटर भी थे, मिस्टर एंटोनी हेनरी, उन्होंने अपनी बुक आर्ट ऑफ द वार में इसका तस्करा किया है, और बहसित लॉजिस्टिक ऑफिसर उन्होंने इसको मुकम्मल डिटेल डिफाइन की है। अब हमारे सामने जो सवाल आता है वो ये होता है कि लॉजिस्टिक क्या है, इसका मकसद क्या है, साथ ही साथ लॉजिस्टिक जो है उसके इंग्रेडिएंट क्या है। इसको बआसानी हम इस तरह समझ सकते हैं, लॉजिस्टिक इज ए आर्ट एंड साइंस। लॉजिस्टिक जो है वो एक फन और साइंस है, और इसके 10 इंग्रेडिएंट हैं जो कि लाजमी तौर पर कवरअप किए जाते हैं इस टॉपिक में। जो यकजा होते हैं तो लॉजिस्टिक का मफहूम क्लियर होता है, वाजे होता है, तकमील को पाता है। इसका नंबर वन जो चीज़ है वो है प्रोडक्ट प्लानिंग, के प्रोडक्ट की प्लानिंग की जाती है कि हमने ये प्रोडक्ट बनानी है, इसके लिए हमने रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ से हासिल करना है, किस तरह हासिल करना है, कितना हासिल करना है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ होती है ऑब्टेनिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, उस रॉ मटेरियल को हासिल करने के लिए जो प्रोसीजर होता है उसको अडॉप्ट किया जाता है, यानी कि मसनूआत का हुसूल। तीसरी चीज़ होती है प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग, रॉ मटेरियल आ गया, उसकी प्लानिंग के हिसाब से उसको प्रोड्यूस किया जाता है, उसको पैक किया जाता है, तैयार किया जाता है मसनूआत की पैदावार के हिसाब से जो रिक्वायर्ड होती है। फिर वो जो प्रोडक्ट तैयार होती हैं उनको स्टोरेज ऑफ गुड्स, यानी कि उस सामान को, उस प्रोडक्ट को, उस तैयार शुदा माल को कहाँ रखा जाता है, वेयर हाउसेज में रखा जाता है, फैक्ट्री के जो मेन सेंट्रल वेयर हाउसेज होते हैं उनमें तैयार शुदा माल को रखा जाता है। इसी तरह से रॉ मटेरियल भी उन्हीं वेयर हाउसेज में रखा जाता है। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ या इंग्रेडिएंट है वो है एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन फॉर सप्लाइज। माल की प्लानिंग, प्रोडक्ट्स की ऑब्टेनिंग, प्रोडक्ट की प्रोड्यूसिंग, स्टोरेज, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर, मगर एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम या रसद के लिए मौसर नकल व हमल के जो ज़राए हैं वो इंतहाई ज़रूरी होते हैं, क्योंकि फैक्ट्री से गोदाम तक और गोदाम से जो है वो डीलर और डीलर से रिटेलर और फिर एंड कंज्यूमर तक माल को पहुंचाना किसी भी कंपनी का सबसे अहम जो है
वो मकसद होता है। नेक्स्ट होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट मटेरियल, कि जब लाजमत है ट्रांसपोर्टेशन के जरिए फैक्ट्री से माल गोदाम में जाता है, तो आगे का मरहला ये होता है उस प्रोडक्ट को एज पर ऑर्डर, एज पर इनवाइस जो है डिमांड के हिसाब से डीलर्स को या रिटेलर्स को माल को भेजा जाता है, मसनूआत जो है उसकी तकसीम की जाती है। उसके बाद है प्रोडक्ट सप्लाई इन प्रॉपर प्लेस, के जो प्रोडक्ट है वो मुनासिब तरीके से जो है प्रोडक्ट को सप्लाई किया जाए प्रॉपर तरीके से जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, वेयर हाउस है, वहाँ से उस माल को बेहतर तरीके से जो है वो रिटेलर तक या डीलर तक पहुँचाया जाए। इसके बाद जो है वो है प्रोडक्ट सप्लाई प्रॉपर क्वांटिटी विथ गुड कंडीशन। सिर्फ प्रोडक्ट का डीलर तक या रिटेलर तक पहुँचाना ही मकसूद नहीं होता, बल्कि ये मकसद भी होता है कि जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो प्रॉपर हो, उसकी क्वांटिटी और उसकी कंडीशन भी जो है वो यूजबल हो, वो लीक ना हो, वो डैमेज ना हो, उसमें कोई और किस्म का कोई फॉल्ट ना हो। मसनूआत अच्छी हालत के साथ मुनासिब मकदार में फराहम करना किसी भी कंपनी की अवलीन जिम्मेदारी होती है। राइट टाइम प्रोडक्ट सप्लाई, कोई भी कंपनी हो, इदारा हो, उसका मकसद ये होता है कि वो कोई चीज़ बनाए, बनाकर अपने वेयरहाउसेस के जरिए वो डीलर को भिजवाए, वहाँ से रिटेलर को भेजे और उसके बाद वो प्रोडक्ट जो है एंड यूज़र तक पहुँचे। मगर इसमें सबसे अहम जो अंसर होता है वो होता है राइट टाइम प्रोडक्ट की सप्लाई का। अगर प्रोडक्ट बन जाए तैयार होने के बावजूद अगर उसे प्रॉपरली राइट टाइम पर सप्लाई ना किया जाए जो कि रिक्वायर्ड होता है टाइम, तो ऐसे सूरत में वो प्रोडक्ट रखा रह जाता है और मार्केट में कोई दूसरी कंपनी उसी प्रोडक्ट को सेल कर जाती है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है जदीद व्याप की, उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है किसी भी स्प्रे का। अगर प्रोडक्ट तैयार होने के बाद फैक्ट्री से वेयरहाउस में आए और वेयरहाउस से डीलर के पास वो बर वक्त ना पहुँचे, तो लाजमत है वो डीलर के पास ना पहुँचने की वजह से जो है एंड यूज़र तक भी नहीं पहुँचेगा, और जब एंड यूज़र तक नहीं पहुँचेगा तो वो उस स्प्रे को नहीं कर पाएगा और जिसके नतीजे में कंपनी की सेल मुतासर होती है। तो किसी भी कंपनी की यह अवलीन यानी कि तरजीह होती है कि वो माल बनाए, बना के अपने डिस्ट्रीब्यूशन जो पॉइंट है जिसे हम वेयरहाउस कहते हैं नॉर्मली, वेयरहाउस या लॉजिस्टिक ऑफिस में पहुँचाए, वहाँ से उसका ऑर्डर लेकर उसकी इन्वाइस के करने के बाद उसको मजीद ट्रांसपोर्टेशन के जरिए डीलर और रिटेलर तक पहुँचा कर एंड यूज़र तक पहुँचाया जाए ताकि वो उसको यूटिलाइज करें, उसको इस्तेमाल करें। इसमें एक चीज़ ये भी काबिल गौर है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। टाइम से मुराद ये होती है कि सर्दी के कपड़े गर्मी में नहीं बिक सकते और गर्मी वाले सर्दी में नहीं बिक सकते, क्योंकि उनकी डिमांड सर्दी के कपड़ों की सर्दी में और गर्मी के कपड़ों की गर्मी में होती है। इसी तरह से बहुत सारे ज़रिए अजनास होती हैं जिनकी फौरी डिमांड होती है, अगर उनको डिले करके मार्केट में भेजा जाएगा अपने या ज़ाया होने का खदशा या अंदेशा होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मिनिमम प्राइस, कॉस्ट फ्रॉम फैक्ट्री यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड यूज़र पॉइंट, कि कोई भी कंपनी ये चाहती है कि जो माल उसने बनाया है वो कॉस्ट कटिंग पे चल करते हुए वो कॉस्ट कटिंग के तहत जो है मिनिमम प्राइस पे मार्केट में फौरी तौर पर पहुँचाया जाए और उसको बेच कर उसे मुनाफा कमाया जाए। यही तमाम चीज़ें जो होती हैं वो लॉजिस्टिक का जुज़ कहलाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको क्लियर होगा कि लॉजिस्टिक क्या है और उसके बेसिक 10 क्या इंग्रेडिएंट या अज़ा होते हैं। हम आसान उर्दू में इसे समराइज़ कर सकते हैं कि लॉजिस्टिक एक फ़न और साइंस है। इसके 10 अज्जाए ख़ास होते हैं या पॉइंट होते हैं। नंबर 1 मसनूआत की मंसूबा बंदी, नंबर 2 मसनूआत का हसूल, नंबर 3 मसनूआत की पैदावार, नंबर 4 सामान का ज़खीरा करना, नंबर 5 रसद के लिए मौसर नकल व हमल के ज़राए का इस्तेमाल, नेक्स्ट मसनूआत और मवाद की बर वक्त तकसीम, मुनासिब जगह पर मसनूआत की फराहमी प्रॉपरली बंदे तक डीलर तक गाहक तक मसनूआत का पहुँचाना, मसनूआत अच्छी हालत के साथ साथ मुनासिब हालत में कस्टमर तक पहुंचाना,
सही वक्त पर पहुंचाना, बर वक्त पहुंचाना, फैक्ट्री से और एंड यूज़र तक पहुंचाने में जो कॉस्ट आती है उसको मिनिमाइज़ करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये लॉजिस्टिक कहलाती हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।